गार्डनर बाई पैशन में आप सबका स्वागत है, सबको मेरा नमस्कार। आज का टॉपिक है कि गार्डनिंग में अगर आप ये गलतियां करते रहेंगे तो कितनी भी वीडियो देखते रहें आप सफल नहीं हो सकते। ये बात मैं बड़े ओपनली कह रहा हूँ और सोच समझ के कह रहा हूँ कि स्ट्रेस मैनेजमेंट को समझे बिना आप गार्डनिंग कर ही नहीं सकते। तो गार्डनिंग की शुरुआत जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट को समझे बिना नहीं हो सकती। इस बात पे जो है हम 3 वीडियो बनाने जा रहे हैं, क्योंकि मेरी कल एक लॉन्ग वीडियो डली थी, उसमें वॉइस ख़त्म हो गई थी, मेरे को समझ नहीं आया ये कैसे हुआ, जबकि उसके साथ दूसरी वीडियो डाली थी वो जो थी, मतलब उसमें वॉइस क्लियर थी। तो मैं इस बार 3 पार्ट में ये वीडियो बनाऊंगा। बड़ा टॉपिक है, लंबा टॉपिक है, इसको समझना ज़रूरी है। पर मैं गारंटी करता हूँ कि जिसने ये 3 वीडियो देख ली और समझ ली तो 50% गार्डनिंग उसको आ जाएगी। 50% गार्डनिंग उसको इसी से आ जाएगी कि अगर उसने ये जान लिया कि स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है और कौन सी ऐसी गलतियां होती हैं जिससे पौधा स्ट्रेस में चला जाता है। अगर इन सब चीज़ों को समझ लिया तो 50% गार्डनिंग आपको इसी से आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं इस समय आज 17 दिसंबर हो चुकी है और मेरे जो है फ्लावरिंग बिल्कुल अच्छे से आप देख पा रहे हैं, खूब जो है मेरे फूल खिल रहे हैं गार्डन में, और भी बहुत पड़े हुए हैं पर मैंने थोड़ा सा ही दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, बाकी तो पूरा गार्डन जो है फूलों से भरा पड़ा है। लेकिन इससे आप समझ पाएंगे कि अगर मैंने सीडलिंग से ये सारे पौधे लगाए हैं, खाली 2-4 पौधे जो होंगे जो मैं बने बनाए लाया हूँ, अदरवाइज मैंने सीडलिंग से लगाए हैं। आप ये डेलिया भी देखिए, ये छोटा सा डेलिया ये मैंने सीडलिंग से ही लगाया है, इसमें 3 बर्ड्स आ गई हैं और बाकी सब पौधे आपके सामने हैं। आज इन पर चर्चा न करके मेन टॉपिक पे आते हैं ताकि जो है मेन मुद्दे को समझा जा सके। टोटल जो है 10 बातें ऐसी हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है, तो मैं 3-3-4 करके जो है मैं वीडियो बनाऊंगा। पहले मैं आप 3 टॉपिक कवर करूंगा और दूसरे में फिर 3 करूंगा और फिर तीसरे वीडियो में जो है 4 टॉपिक कवर करूंगा। तो आप जो है इसमें अच्छे से इसको नोट करते जाएं और समझते जाएं। मैं गारंटी करता हूं कि 50% गार्डनिंग आपको खाली ये वीडियो देखने के बाद आ जाएगी। टोटल 10 ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से पौधा स्ट्रेस में जाता है। आप अपने पे भी नोट कर सकते हैं कि जब आप स्ट्रेस में जाते हैं तो आप किस पोजीशन में आ जाते हैं। सारी पॉजिटिविटी खत्म हो जाती है, टोटल नेगेटिविटी आ जाती है। तो उस स्ट्रेस मैनेजमेंट को समझते हैं। तो पहला जो हम टॉपिक ले रहे हैं आज, बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं, हो सकता है कि आप जानते भी हो। वैसे मैं एक चीज बड़ा क्लियर कर दूं कि ये वीडियो मैं बिगनर्स के लिए बना रहा हूं। जो एक्सपर्ट हैं वो तो सारे जानते ही हैं, अच्छे से जानते हैं, पर ये यूट्यूब में पहली बार जो है स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो आएगा और ये 3 पार्ट में आएगा और बहुत जल्दी आएगा। आज ही सारे वीडियो जो है मैं शूट कर लूंगा और हो सकता है 3 वीडियो जो है एक साथ रिलीज कर दूं। आप 3 वीडियो देखें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो पहला पॉइंट लेते हैं, इररेगुलर वाटरिंग। अगर आप वाटरिंग को नहीं समझ पा रहे हैं तो आपके पौधे ने स्ट्रेस में जाना है। कभी हम ज्यादा पानी दे देते हैं, कभी हम बिल्कुल पानी देना भूल जाते हैं, कभी आकस्मिक रूप से बारिश का हो जाना और एक्सेस वाटरिंग हो जाना, ये सारे जो पॉइंट हैं इनको समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप वाटरिंग को नहीं समझेंगे गार्डनिंग नहीं हो सकती, क्योंकि जिस तरह हमें समय समय पर जो है खाने की, भोजन की, पानी की आवश्यकता होती है, हम अपने मुंह से बोल पाते हैं इसलिए और खुद भी कार्य कर पाते हैं इसलिए हमें इसकी समस्याएं नहीं आती हैं। लेकिन पौधा जो है ना बोल सकता है, वो खाली मुरझा के दिखा देता है कि मेरे को पानी कम हो गया, और या फिर मरने लगता है कि मुझे एक्सेस वाटरिंग हो गई है। तो सबसे पहले जो है इररेगुलरिटी जो है वाटरिंग की, उसको समझें और फिर जो है आप गार्डनिंग शुरू करें। तो बहुत आसान सा तरीका है, सब जानते ही हैं कि आपको अच्छे से मिट्टी चेक करके जो है पानी देना है। ये नहीं है कि भाई आप पौधे में पानी दिए जा रहे हैं कि चलो भैया खाद डाली है तो पानी दे दो, स्प्रे कर रहे हैं तो पानी जा रहा है, तो हर ढंग से उसको पानी मिल रहा है। एक्सेस वाटरिंग तो पौधे को बिल्कुल ही मार देती है, जबकि जो कम वाटरिंग होती है उससे पौधा स्ट्रेस में जाता है, और दोनों ढंग से स्ट्रेस में जाता है। लेकिन कम वाटरिंग से जो है पौधा बताता है, मुरझा जाता है और बताता है कि मेरे को जो है वाटरिंग कम हो गई है, पानी कम हो गया, मेरे को पानी दो। लेकिन एक्सेस वाटरिंग में वो इस ढंग से नहीं बताता है। जब तक वो बताता है 10-5 दिन 15 दिन निकल चुके होते हैं और पौधा बहुत बुरी कंडीशन में पहुंच चुका होता है। तो इस पॉइंट को जो है नोट कर लें, इररेगुलर वाटरिंग पहला पॉइंट है।
दूसरा पॉइंट है प्रूनिंग। आप देखें ये मेरा बोगनविला का पेड़ है, मैं पेड़ ही कहूंगा क्योंकि इसका तना जो है देखिए मेरे हाथ में पूरा नहीं आ रहा है, मेरी उंगलियां दूसरे को टच कर रही है मुश्किल से, तो ये काफी थिकनेस लिए हुए है। तो ये देखिए हमने इसकी प्रूनिंग अभी कर दी है। तो अगर आप प्रूनिंग के टाइमिंग को नहीं समझेंगे कि कब किस पौधे की प्रूनिंग करनी है, तो भी जो है आपका जो है पौधा अच्छे से नहीं पनपेगा और डेवलपमेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब उसके अंदर शाखाएं इतनी बड़ी हो जाएंगी कि वो उनको भोजन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। हम पौधे जो लगा रहे हैं गमलों में लगा रहे हैं, और गमले में जो है उसको एक लिमिटेड न्यूट्रिशन मिलना है, और पानी का भी जो है आप उतना ही दे सकते हैं जितना गमले का साइज है, और हर पौधे को आप बड़े बड़े गमलों में लगा नहीं सकते हैं, और प्लास्टिक के गमले आजकल आ गए हैं तो और ज्यादा ये समस्या बन गई है। तो सबसे जो है प्रूनिंग को समझना बहुत जरूरी है, तो प्रूनिंग पे ध्यान दें। और ये दूसरा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये देखिए मैंने अपना ये बोगनविला है इसकी प्रूनिंग कर दी थी, और अब इसमें जो है नई कोपले आ गई हैं और ये डेवलप हो रहा है, और ये फ्लावरिंग जो है मैं आपको इसकी जनवरी में फ्लावरिंग दिखाऊंगा। तो ये किस समय पे क्या प्रून करना चाहिए ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जिसमें कलियां आ रही हैं उसको प्रून तो करेंगे नहीं, तो किस समय प्रूनिंग करनी है ये एक इम्पॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक जो है बिल्कुल इसको समझ के चलें, तो इसको अच्छे से नोट कर लें कि प्रूनिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि मेरे कई मित्र हैं, मैं उनके साथ बात होती है, नहीं 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 पौधे को मत छेड़ो, पौधे को मत छेड़ो, अरे इसके तो इतना, और गुलाब का पौधा है 2 फुट लंबी डंडी हो गई है पतली सी, कहां से फूल आएंगे अगर उसकी प्रूनिंग नहीं होगी। तो गुलाब की भी इसमें जिन लोगों ने प्रूनिंग नहीं करी है, डट के हार्ड प्रूनिंग हो तो हार्ड, सॉफ्ट हो तो सॉफ्ट, समझ के जो है उसकी प्रूनिंग कर लें, बहुत आसानी से जो है आप कामयाब होंगे और खूब फ्लावरिंग होगी। ये देखिए मेरे बोगनविला की आज भी इतनी फ्लावरिंग हो रही है, देखिए आप कितनी फ्लावरिंग है, देखिए क्योंकि अब मैं इनकी सबकी प्रूनिंग कर दूंगा अभी। ये देखिए ये सारे, ये इसने यहां से फ्लावरिंग देनी शुरू करी और ट्रेवल करते हुए यहां तक फ्लावरिंग देता जा रहा है, तो 1 फुट तक ये फ्लावरिंग देता रहा है। तो अब इसका प्रूनिंग जब थोड़ी सी फ्लावरिंग कम हो जाएगी, अभी मैं जो है फिर इसकी प्रूनिंग कर दूंगा, और फरवरी में भी की जा सकती है, पर मैं इनकी अभी करूंगा, दिसंबर में मैं प्रूनिंग करता हूं। और तब जो है ये मैंने इसकी नवंबर में प्रूनिंग कर दी थी, इसकी सारी नई कोपले आ गई हैं, और इनकी जो है मैं दिसंबर में प्रूनिंग करूंगा, और ये भी जो है बहुत अच्छे से आपको दिखाऊंगा समर में कि कितनी अच्छी फ्लावरिंग जो है मेरी होती है। ये देखिएगा ये सारे जो है ये सब बड़े हो गए, इनकी प्रूनिंग करनी है क्योंकि मेरे को तो वहां तक जाने में भी समस्या हो रही है, तो थोड़ा सा ये लेट हो गए, तो इन सबकी मुझे प्रूनिंग कर देनी है, फूलों का त्याग करना पड़ेगा ताकि वो अच्छे से न्यूट्रिशन ले सके, और डोरमेंसी में जाने से पहले पहले वो अपनी कोपले निकाल ले, धीरे धीरे वो कोपले बढ़ती जाएंगी, डोरमेंसी में जाएगा ही नहीं। अगर हम इसकी प्रूनिंग कर देंगे ना दिसंबर में, तो ये डोरमेंसी में नहीं जाएगा। ये बड़े छोटे छोटे पॉइंट है, ये प्रैक्टिकल पॉइंट है, जब तक जो प्रैक्टिकल कर रहा है गार्डनिंग ना वो ये पॉइंट समझा सकता है, पढ़ के नहीं समझाए जा सकते ऐसे पॉइंट। मैंने ये करी, आपके सामने रिजल्ट है, दोनों पौधे एक साथ दिखा रहा हूं, खाली एक पौधा रख के नहीं दिखा रहा हूं मैं, तो अच्छे से समझे। देखिए इसकी ये भी प्रूनिंग मांग रहा है, ये देखिए अब इसके जब भोजन ये ट्रेवल करते हुए यहां तक जा रहा है और यहां जाके फ्लावरिंग कर रहा है, सारे पत्ते इसके झड़ गए हैं, तो इसको प्रून कर देंगे, धीरे धीरे ये नई कोपले निकालता रहेगा और ये बहुत अच्छे से जो है फ्लावरिंग इसकी आगे समर में भी होगी। ये देखिएगा ये सारे फ्लावर, देखिए आप कितने फ्लावर्स हैं। तो प्रूनिंग जो है समझना बहुत जरूरी है, मैं आपको बकायदा विद प्रूफ जो है सारी चीजें दिखा रहा हूं। ये देखिए कितने इसमें फ्लावर्स हैं, अब ये जैसे जल गया, इसको प्रून करना जरूरी है, अगर ये नहीं करेंगे तो ये फंगस लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट है, देखिए कितनी फ्लावरिंग है बोगनविला पे, आप देख पा रहे हैं ना, ये देखिए कितनी फ्लावरिंग। मैंने बोगनविला पे आज तक एक भी वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन मैं आप देखिए कितनी फ्लावरिंग है मेरे उसमें, खाली कह नहीं रहा हूं, प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं सारी चीजें। तो ये दूसरा पॉइंट हमने कवर किया विद प्रूफ, हर चीज मैं प्रूफ के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूं। कृपया वीडियो को जो है सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक तो आपने कर ही दिया होगा। तीसरा पॉइंट है इनकरेक्ट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, जब आपको नाइट्रोजन देना है तब आप पोटाश दे रहे हैं या फॉस्फेट दे रहे हैं, ये तीन चीजें जो है इनका ध्यान रखना जरूरी है। एनपीके का, एनपीके शब्द खाली पढ़ लेने से समझ लेने से काम नहीं चलेगा, आपको सब हम सबको ये बात को सीखना जरूरी है कि न्यूट्रिशन कौन सा न्यूट्रिशन किस समय देना है। जब पौधे की डेवलपमेंट हो रही है तब आपको नाइट्रोजन की जरूरत है,
और जब वो डेवलप हो गया, वो अपना बड़ा हो गया, उसने शाखाएं निकालने लगा, तब उसको जो है फास्फोरस की जरूरत है ताकि वो अपनी जड़ों को एनहांस करे, बढ़ाए और साथ साथ जो है पूरे पौधे को जो है उसकी जो स्टेम है उसको जो है मजबूत करे। और फिर जब उसके अंदर हल्की हल्की बर्स आने लग जाए, बल्कि बर्स आने से पहले ही जो है पोटाश दिया जा सकता है, तो वो कि आप ऑर्गेनिक दें चाहे इनऑर्गेनिक दें, पर इन सब चीजों की उसको जरूरत होती है। अगर आप प्रॉपर समय में उसको नहीं करेंगे तो फ्लावरिंग प्रॉपर नहीं होगी और पौधा भी जो है साउंड नहीं होगा। आप ये देखिए, ये गुलदाउदी के मेरे एक एक इंच के, डेढ़ डेढ़ इंच के प्लांट हैं। देखिए आप, एक इंच डेढ़ इंच का प्लांट कितनी फ्लावरिंग हो रही है। मैं विद प्रूफ बात करता हूं। अगर मैं गार्डनर बाई पैशन मैंने लिखा है तो गार्डनर बाई पैशन ऐसे नहीं है। मैं हर चीज में एक्सपेरिमेंट करता हूं और उसको जो है आपके सामने लेके आता हूं। ये देखिएगा, मैंने कल पहले भी जो एक वीडियो, जितनी भी मेरी वीडियो एक्सपेरिमेंट में आई है उनको जो है आप देखिए अच्छे से और समझिए कि मैं किस ढंग से जो है ये बात अपनी समझाना चाह रहा हूं, अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं। ये दो दो तीन तीन इंच के प्लांट, एक इंच का प्लांट, डेढ़ इंच का प्लांट, और उनमें फ्लावरिंग हो रही है। देखिए, आपको देख के समझ आ रहा होगा कि ये जो पॉट है, पॉट से एक इंच ऊपर जो है साइज जा रहा है, कोई बिल्कुल आसपास है, कोई बिल्कुल नीचे है, तो कितने कितने बड़े प्लांट है और कितनी अच्छी। देखिए, कहीं बर्ड्स आपको है कि नहीं दिख रही हो, तो कितनी सारी बातें इतनी बात से समझ में आ जाती हैं। ऐसा होना तभी संभव होता है जब हम प्रॉपर न्यूट्रिशन दें। आप देखिए सारे पौधे, देखिए आपको मैं एक नहीं कह रहा हूं, इतने पौधे, सारे पौधे साउंड है। ये देखिएगा, तो ये साउंड तभी रह पाते हैं ना जब आप प्रॉपरली उनको न्यूट्रिशन दे रहे हैं। जिस समय जो चीज देनी है वो इम्पोर्टेंट है, वही देनी चाहिए। आप ये नहीं है कि जब आपको जो है मतलब पोटाश देने की जरूरत है तब आप उसको जो है नाइट्रोजन दे रहे हैं, पौधा ग्रोथ ही करे जा रहा है और फ्लावरिंग कर नहीं रहा, और इतना ज्यादा उसकी जड़ों पे बोझ आ गया कि वो फ्लावरिंग करेगा ही नहीं। अगर जब फूल के निकलने का समय है उस समय आप उसको नाइट्रोजन देंगे तो फ्लावरिंग कैसे होगी, क्योंकि सारी ताकत तो उसने पौधे को बढ़ाने में लगा रखी है। तो पौधा अपना बढ़ने में सारी ताकत लगा देगा तो फ्लावरिंग कैसे करेगा। उसकी जो उसकी बढ़वार है उसको रोकना पड़ेगा, बढ़वार रोकने के बाद वो जो है फ्लावरिंग की तरफ जाएगा, और उसके लिए पोटाश की जरूरत है। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट हैं, तीन पॉइंट हमने इसमें डिस्कस करे हैं, और बाकी पॉइंट जो है हम पार्ट टू में जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। तीनों वीडियो एक साथ रिलीज करूंगा और आप तीनों वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। और गार्डनिंग जो है मैं ये बिगनर्स के लिए बना रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, जो एक्सपर्ट हैं वो तो मुझसे भी ज्यादा जानते हैं, लेकिन बिगनर्स के लिए छोटी सी वीडियो, मैंने तीन वीडियो तैयार कर रहा हूं ताकि जो है बिगनर्स को जो है फायदा हो। उसके बाद आप सबकी वीडियो देखिए। और एक चीज और बताता हूं मैं, कभी भी किसी एक की वीडियो देख के आप जो है अपना ओपिनियन ना बनाइए, किसी एक की, चाहे मैं भी हूं, मेरी भी अकेले की वीडियो देख के आप अपना ओपिनियन ना बनाइए, चाहे मैं कितना ही बोलता रहूं, कितना कहता रहूं, आपको दो चार वीडियो और देखने चाहिए और फिर अपने अपनी बुद्धि से अच्छे से समझ के उसको करना चाहिए। और आपका जो है और चीजें अवेलेबल भी हैं, आप स्टडी भी कर सकते हैं और ढंग से, गूगल पे भी पढ़ सकते हैं, कुछ वहां पढ़िए, कुछ यूट्यूब से देखिए, कुछ हम लोगों को सुनिए, कुछ औरों को सुनिए, और फिर किसी चीज के बारे में काम करिए। और दो हर साल आपको दो तीन फ्लावर के पौधे ले लेने हैं और उनपे वर्क करना है, उनको स्टडी करनी है। सब एक साथ में जाएंगे तो हो सकता है कि बिगनर्स के लिए प्रॉब्लम हो जाए, पर अगर आप दो तीन पौधों को स्टडी करके उनको करेंगे फिर आप देखिए कितनी फ्लावरिंग होती है। ये देखिएगा कितनी फ्लावरिंग है, और ये पॉट देखिए, पॉट के साइज देखिए, बर्ड्स देखिए कितनी है, ये देखिए कितने बर्ड्स हैं, और पॉट का साइज देखिए आप, चार इंच का पॉट है और इतने फ्लावर्स, इतनी बर्ड्स आई हुई हैं। ये देखिए, ये भी जो है छह इंच के, पांच इंच के पॉट में लगा हुआ है, कितने इसके अंदर फ्लावरिंग्स हैं। और ये सब जो है सीडलिंग से लगाए गए हैं, कोई ज्यादा डेवलप हो गए, कोई कम हो गए, उसका कारण धूप का रहा है कि मेरी कई जगह ऐसी हैं जहां पे धूप नहीं आती है, और मैं पूरे गार्डन में जो है मतलब पूरी छत पे जो है एक ही जगह पे सारे प्लांट नहीं करना चाह रहा था, उससे जो है मुश्किल हो जाती है चलने फिरने में, वाटरिंग करने में। तो क्योंकि मेरी बहुत छोटी सी छत है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, तो मुझे जो है उसको भी मैनेज करना होता है, तो जो छाया में रह गए वो थोड़े स्लो हो गए, और जो धूप में थे, जिनको धूप चाहिए उनको धूप में अगर रखा जाए तो वो डेवलप होंगे, और जिनको छाया चाहिए उनको छाया में रखा जाए तो वो अच्छे से डेवलप होंगे। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको देखिए और पॉइंट नोट करके चलिए। ये 10 पॉइंट अगर आपने रख लिए, गार्डनिंग और कुछ है ही नहीं, कल आप भी जो है एक यूट्यूबर, एक अच्छे यूट्यूबर बन जाएंगे।
ये 10 पॉइंट आप नोट कर लें। मैं गारंटी से कहता हूं कि आप भी एक अच्छे यूट्यूबर बन जाएंगे अगर इन 10 पॉइंट्स को आपने समझ लिया अच्छे से। तो 3 पॉइंट हमने कवर करे हैं, बाकी जो है हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।